सतगुरु श्री गुरु प्रीत निवास मुजस्मा आबे हयात सरवरे कायनात साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की मुकद्दस गोद दे जुड़ बैठे मौजिज हाजरी, जिस तरह असी गुरु की गोद दे विच जुड़े बैठे हाँ, ये जिहड़ा वक्त है, ये जिहड़ा सुभागा समा हुंदा है, इस दे बारे भाई साहब भाई गुरदास अपनी रचना कविता दे विच बयान करदे ने। कब लागे मस्तक चरणन रज, दर्स दया द्रिगन कब देखो, अमृत बचन सुनो कब सरवनन, कब रसना बेनती बसेखो। के ओ सुभागा समा कदों होवेगा जदों मेरा सिर गुरु दे चरणा ते होवेगा, गुरुदेव पातशाह मैनू उपदेश दे रहे होणगे ते मैं गुरु पातशाह दे उपदेश नूं सुन रहा होवांगा, ते इह सुभागा समा सतसंगत दे विच ही हुंदा है। सो जदों असी इस सुभागे समें दे विच मन करके और तन करके हाजिर हो के शब्द की हजूरी नूं मानण दा जतन करिए, ते उस जतन की आरंभता साडी गुरमत मर्यादा दे अनुसार असी गुरदेव पातशाह की बख्शिश की गई फतेह दे नाल करिए। बहुत ही सतकार सहित आखना जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्रबंधक साहबान दे वलों मैनू तुहाडे नाल सांझ पाउण दे वास्ते जिहड़ा विशा दिता गया है, सबजैक्ट दिता गया है, वह है गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज के प्रगट दिहाड़े नूं समर्पित इतिहास, तारीख, तवारीख और फलसफे दे विच्चों कुछ गल्लां तुहाडे नाल सांझियां कर सकां। सब तो पहली गल ते जदों असीं गुरु नानक साहब की गल करते हैं तां भाई साहिब भाई नंद लाल बड़े प्यारे शब्दों की चगल कहते हैं, क्योंकि असी दो गल्लां करके जदों असी शब्द गुरु, गुरु दरबार, गुरु का जस जां गुरु की हजूरी नूं मान रहे होंगे ना, उहदे विच दो गल्लां बड़ियां अहम होंदियां ने कि शरीर करके भी असी हाजिर हाँ ते की मन करके भी हाजिर हाँ। जदों असी शरीर करके हाजिर हाँ ते मन करके भी गुरु की हजूरी दे जुड़े बैठे हैं, तो फिर उस समय फिर दो चीज़ां आ जांदियां ने, एक दृश्यमान है ते एक अदृश्य है। दृश्यमान है कि तुसी एक दूसरे नूं वेख सकते हो, तुसी मैनूं वेख सकते हो, मैं तुहानूं वेख सकदा है कि असी शरीर करके गुरु की हाजरी च बैठे हाँ। एक चीज अदृश्य है कि मेरा मन गुरु की हजूरी च है जां मैं तुहाडे नाल गल्लां ते कर रहे हैं, जिहड़ियां गल्लां मैं कर रहे हैं कि मेरी मानसिकता उन्हां गल्लां नूं ग्रहण कर रही है, जां फिर मेरे कोई इवें दा कोई मापदंड नहीं, कोई पैरामीटर नहीं कि मैनूं पता होवे कि तुसी शरीर करके तां इत्थे हो कि मन करके भी इत्थे हो। सो ये दो गल्लां बड़ियां अहम हुंदियां ने, ते जदों गुरु नानक साहब की गल करते हो तो भाई साहब भाई नंद लाल अपने एक फारसी दे शेर दे विच बड़ी प्यारी गल करते हैं, कहिंदे तालिबे खाक ऊ हर खास ओ आम, चह मलायक चह हाजरी तमाम। यह समझण वाली गल है कि गुरुदेव पातशाह ने इन्नी बख्शिश की साढ़े ते कि असी गुरु की हजूरी दे विच हाँ, ते नंद लाल कहिंदे ने कि गुरु नानक साहब दी तालिबे खाक ऊ कि गुरु नानक साहब ते उन्हां दी संगतां दी चरण धूड़ नूं मत्थे ते लाउण दे वास्ते हर खास ते आम जिहड़ा है ना वो अरदासां करदा है, वो अर्ज बेनती करदा है कि किते मेरे मस्तक दे उपर गुरु ते गुरु संगत दी चरण धूड़ लग जावे। ते इह वर्तारा केवल दृश्यमान तौर ते मनुखां तक सीमित नहीं, कहिंदे चहे मलायक, मलायक कहा जाता है देवते रूह जिहड़े सानूं नजर नहीं आउंदा,
चाहे हाजरीन तमाम ते जिहड़े हाजरीन जिहड़े नजर आ रहे ने कि दृश्य मान संसार दे विच वी ते अदृश्य वरतारे दे विच वी सारे चाहते ने कि गुरु नानक साहब नूं नतमस्तक होया जावे। क्यों? फिर अगला सवाल पैदा होगा क्यों? इहदे जवाब दे विच नंद लाल कहिंदे ने कि दोए नून पाकिश। गुरु नानक साहब का नाम साढ़े बजुर्ग सत्कार योग बैठे ने जिहड़े उर्दू जानते होंगे, गुरु नानक साहब का नाम उर्दू दे विच लिखना होवे ते नून अलफ नून ते काफ ये चार शब्दों की वरतों होंगी है। पंजाबी दे विच भी बनते चार ही ने, नन्ना नन्ने नू कन्ना नन्ना ते कक्का। जिहड़ा नन्ने नू कन्ना है वह भी अपने आप दे विच एक अक्षर है, उन्हों ऐड़े ना भी लिखा जा सकता, नानक ऐड़ा भी वरत सकते हो, और अल्फ जिहड़ा उर्दू च वरत्या जाता उसके वास्ते। हुण थोड़ा जिहा इस गल नू समझिए, दृश्य ते अदृश्य ते गुरु साहब की हाजरी ते हजूरी ते गुरु नानक सच्चे पातशाह दे इतिहास दे विच्चों ही समझण दा जतन करिए। जिस वेले गुरु नानक साहब मुल्तान गए ते जिहड़े मुल्तान दे फकीर ने वो अपने आप नूं समझदे ने कि जिन्ना अध्यात्मकवाद जिन्ना आत्मक ओस जिन्नी स्पिरिचुअलिटी साढ़े कोल है साढ़े बराबर का ज्ञान तो किसी को हो ही नहीं सकता, किसी को ऐसा ज्ञान हो ही नहीं है, किसी को ऐसा आत्मक ओज हो ही नहीं सकता, किसी के कोल विचारधारा का या फलसफे का अंतम सच हो ही नहीं सकता जिस सच के उपर असी पहुंच चुके। केवल गुरु नानक साहब की गल नहीं, एक बार मुल्तान दे विच सैयद परिवार दे विच बड़ा पढ़िया लिखिया, उन्हां समय दे चाह पढ़ाई नहीं सी हुंदी, अध्यात्मकवाद का चिंतन करन वाला व्यक्ति मुल्तान जिस वेले शहर दे विच दाखल होण लगा तां मुल्तान शहर दे जिहड़े पीर सी उन्हां ने उल्टी जुत्ती करके रख दित्ती सी, बाहर नूं मूँह करके एक जुत्ती का जोड़ा रख दित्ता सी, उहदा संकेत सी। वो इन्ने ज्यादा अपने आप को इंटैलीजेंट रोशन दिमाग सियाने समझते सी कि कहिंदे सी सी संकेत दे विच ही सब कुछ समझा दिंदे आ, ते गुरु नानक साहब नूं भी उन्हां ने संकेत ही भेजिया सी अगों पीर मुल्तान दे दुद्ध कटोरा भर लै आए, उस संकेत दे विच ही बड़िया बड़िया गल्लां कर दिंदे सी। हुण उन्हां ने पुठी जुत्ती रखी है पहला गुरु साहब तो, उहदा भाव इह सी कि तुसीं जिस तरह आए हो इन्हां पैरां दे नाल ही वापस मुड़ जाओ, तुहाडा ज्ञान साडे ज्ञान दी बराबरी नहीं कर सकता। ज्ञान ते सी पर ज्ञान दा अहंकार भी बड़ा सी। जिस वेले गुरु नानक साहब गए हुण असीं गुरु साहब दी विचारधारा दा जिहड़ा असर है उहदा दृश्य ते अदृश्य रूप वेखीए जिस नूं नंद लाल जी बयान करदे। जिस वेले गुरु नानक साहब गए ने अगों पीर मुल्तान दे दुद्ध कटोरा भर ले आए, बाबे कढ़ के बगल ते चंबेली दुद्ध विच टिकाए, मुल्तान दे पीरां ने गुरु नानक साहब अजे शहर दे विच दाखल नहीं होए ते उस वेले जिहड़े मुल्तान दे पीर ने उन्हां दे विचों अहम है बहावल हक शाह शरफ ते अब्दुल्ला, कई थावां ते उसका नाम अब्दुल भी आया। ये बड़े तीन अहम पीर ने, आलम फाजल ने, रोशन दिमाग ने, ज्ञान भी है पर ज्ञान दे नाल नाल अहंकार भी इस गल दा है कि साढ़े तो वध ज्ञान किसी कोल हो ही नहीं सकता। गुरु नानक साहब बाहर बैठे ने ते शाह शरफ ने एक दुध का प्याला पूरा भरिया हो गुरु साहब दे कोल भेज दिता। उहदा एक भाव सी, उहदा भाव इह सी कि मुल्तान दे विच आत्मक ज्ञान पूरा भरिया पिया, तुहाडी इत्थे लोड़ नहीं है, तुसीं वापस जा सकदे हो। जिहड़ा मुल्तान दा खजाना है ना उह नक्को नक भरिया पिया आत्मक ज्ञान दे नाल, और दुद्ध नूं उस समय इस तरह का जिहड़ा
ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਭੰਗਰਨਾਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ। ਪੁੱਛੇ ਜੋਗੀ ਭੰਗਰਨਾਥ, ਤੋਹੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਾਂਜੀ ਪਾਈ, ਫਿੱਟਿਆ ਚਾਟਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰਿੜਕਿਆ ਮੱਖਣ ਹੱਥ ਨਾ ਆਈ। ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਪਤਾਸਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਕਲੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਦੁੱਧ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੀ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜਣਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਦੁੱਧ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਕਾਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਪਰ ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸਾ ਘੁਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਿਆ ਪਤਾਸਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਵੇਗਾ। ਕਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਕਲੀ ਵੀ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਹਿ ਮਲਾਇਕ ਚਹਿ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਤਮਾਮ। ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਗਿਆਸੂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਟਿਕ ਜਾਓ। ਦੋਏ ਨੂਨ ਪਾਕਿਸ਼, ਪਾਕਿਸ਼ ਦਾ ਭਾਵ ਪਵਿੱਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੋ ਨੂਨ, ਦੋ ਨੰਨੇ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਨਈਮ ਵ ਨਸੀਰ, ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਨੂਨ ਦੇ ਅਰਥ ਅਲਫ ਮਾਂ ਨੇ ਆਹਿਦ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਅਲਫ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ, ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ। ਕਾਫ ਆਖਰੀਨ ਕਬੀਰ, ਕਬੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉੱਚਾ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਵੀ ਹੋਰ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪੰਧੀ ਬਣੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ? ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੁਛ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿ ਦੇਸ ਕੈਸੇ
बातन से चाहिए।